चरितमानस में लिखते हैं, बरसारी रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बरवन जुग सावन भादव मास। कहते भैया भगवान कैसे हैं, भगवान तो कैसे हैं, बारिश के समान है, और भक्त कैसा है, बोले धान की खेती है। और जो बारिश अर्थात कैसी है, ये जो सावन और महीने सावन और भादों का जो बारिश होती है, वो बारिश जब खेत में पड़ती है, कौन से खेत में, धान की खेती में, तो कहते हैं महाराज धान की खेती लहलहा जाती है, प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही जब कोई साधक नाम करता है, किसका, भगवान का नाम करता है, साधक को बताया है यहाँ पर धान की खेती, और बारिश को बताया है भगवान, और सावन और भादों का महीना है, ये क्या है, ये है भगवान का नाम। जब साधक भगवान का नाम उच्चारण करता है तो कहते हैं उसका हृदय जो है प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए श्रवण कीर्तन करने से ही, इसीलिए भगवान ने क्या किया, कलयुग में जानते थे कि जीव के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, वो हर समय व्यस्त रहेगा, इसलिए भगवान ने इस कलयुग में नाम को जो है तो सबसे पहले बोला कि श्रवणम कीर्तनम, अर्थात तुम श्रवण करो और उसी का कीर्तन करो, उससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य के द्वारा कोई सोचे मनुष्य की मैं वर्णाश्रम धर्म से भगवत भक्ति प्राप्त कर लूं, तो कहते हैं कि वो नहीं होगा। धर्मा सोनिष्ठम पुंसम विक्षक्षेन कथासु यह नो उत्पादेत यदि रति श्रम एव ही केवलम। कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म को, अगर हम ठीक ठीक पालन कर भी लें, यदि हमारी भगवान के प्रति यदि भक्ति नहीं हुई, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हुआ, तो कहते हैं वो सब क्या है, श्रम एव ही केवलम। वो केवल केवल श्रम, श्रम अर्थात मेहनत मेहनत ही है। जिस तरह से जैसे धान, धान को से जो गेहूं को चावल निकाल ले, फिर उसको कोई कूटे, तो कूटते रहो उससे कुछ नहीं होगा, कूटने वाला सामान भी टूट जाएगा और उसका परिश्रम भी बेकार जाएगा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान को उद्देश्य करके कोई भी कार्य नहीं करते, हम कोई भी उद्देश्य करें या गृहस्थ पालन करें, उसमें हमारा उद्देश्य होना चाहिए मेरी भगवान के प्रति प्रीति हो जाए, तब जाकर के वो वर्णाश्रम धर्म भी माना जाता है, नहीं तो क्या है, वो गृह मेधी बताया गया है। वो आगे जो है तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान के विषय बताया कि भगवान कैसे कैसे बदंति तत्तत्विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि साधकों के अनुसार भगवान ने तीन रूप धारण कर लिए। ज्ञानियों के लिए भगवान ने ब्रह्म का रूप बना लिया, योगियों के लिए भगवान ने परमात्मा का रूप धारण किया, और भक्तों के कौन होते हैं, भगवान होते हैं। क्योंकि और बताते हैं कि इसमें से जो परमात्मा है और जो ज्ञानियों के लिए जो ब्रह्म है, इसमें से अधिक जो हमारे कौन है, भगवान। क्योंकि भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, क्रिया है, लेकिन जो ज्ञानियों का उद्देश्य क्या है कि भगवान का ना तो रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई क्रिया है। जब कोई गुण और क्रिया नहीं होगी, जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, यदि वो हंसे ना, रोए ना, कुछ मुंह से बोले ना, तो लोग क्या करेंगे, भाग जाएंगे वहां से, उसके पास नहीं रहेंगे। इसीलिए हमारे भगवान कैसे हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, मांगते भी हैं, रोते भी हैं, गाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। भगवान क्या करते हैं, भक्तों के अनुरूप अपनी लीलाएं करते हैं, इसीलिए भक्त क्या करता है, उनकी ओर खिंच जाता है। श्रवणतम स्वकथा कृष्णे पुण्ये श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो हि भद्राणी विदिनोति श्रुहित सताम। भगवान श्री कृष्ण के नाम को जो कीर्तन क्या करता है, सबको पवित्र कर देता है। ही अभद्राण यथा, जितने भी अभद्र वस्तु हृदय में बैठे होते हैं वो कैसे कहते हैं, विधनोत सुहित सताम, सुहित मतलब बंधुवत की भांति भगवान कैसे बन जाते हैं, जिसके हृदय में विराजित होते एक बंधु बन जाते हैं। जैसे एक बंधु अर्थात मित्र आता है घर में, उसको झाड़ू पोछा लगा के बैठाने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं आता है, मित्र घर में आएगा, झाड़ू मार के बैठ जाएगा। क्यों बैठता है, जानता है ये मेरे मित्र का घर है। और उसके सारे हृदय की जो वासनाएं हैं अर्थात जो अभद्र वस्तु हैं, उनको भगवान क्या करते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होने पर हृदय की गांठ, जो गांठ क्या होती है हमारी,
ये संसार की वासना ही हमारी गांठें हैं। हम सोचते हैं कि हमारा शादी हो जाए, पुत्र हो जाए, पत्नी मिल जाए, सुंदर सुंदर धन मिल जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए, यही है क्या है हमारे हृदय की गांठ। इसी गांठ के कारण से ही हमारे जो है तो आगे जो है तो बढ़ नहीं पाते, अर्थात भक्ति नहीं हो पाती हमारी भगवान के प्रति, गुरु वैष्णव के प्रति। जब ये गांठ हमारी टूट जाएगी तो भगवान क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति उनका श्रवण कीर्तन करता है तो भगवान क्या करते हैं, उसकी गांठ को खोल देते हैं, और गांठ को खोल कर क्या करते हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ उसको क्या करते हैं, प्रकाशवान कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में भी ऐसे ही लिखते हैं कि राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहो उजियार। कहते हैं तुलसीदास जी की यदि तुम अपने अंदर और बाहर अगर उजियार अर्थात प्रकाश चाहते हो तो तुम क्या करो कि जैसे आपने घर में देखा होगा कि जब कोई दीपक जलाता है घर में तो क्या करता है, बीच देहली में रख देता है, दरवाजे का जो हिस्सा होता है ना नीचे वहां रख देता है, उससे क्या होगा अंदर भी प्रकाश होता है और बाहर भी प्रकाश होता है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान अपने जीवा क्या है, जीवा है देहली, इस देहली में जो भगवान का निरंतर नाम उच्चारण करते, नाम उच्चारण क्या है, वो दीप है। यदि जो व्यक्ति नाम उच्चारण करते हैं उस नाम उच्चारण से ही हमारे हृदय में और बाहर भी क्या करते हैं भगवान, अंदर और बाहर का जो हमारा मल है या गांठ है उसको तोड़ करके खत्म कर देते हैं। इसलिए जो है तो हमें भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि वो हमारा नाम क्या करेगा, भगवान का नाम अंदर और बाहर की गांठों को तोड़ के खत्म कर देता है और उनके प्रति श्रद्धा भक्ति की ओर हमें आगे बढ़ा देता है। उन्होंने दूसरा तीसरा जो प्रश्न किया था कि भगवान ने अनेक अनेक अवतार क्यों धारण किए, क्या कारण है उन्होंने इतने सारे अवतार धारण किए, उनके विषय में हमें बताओ। तो उनके विषय में भगवान कहते हैं कि वांछा कल्प तरु व्यक्ति कृपा सिंधु देवता भक्ता नाम पावने वैष्णव नमो नमः। नहीं नहीं प्रभु जी भी तो क्लास करेंगे ना कल से, कल से 4:30 बजे प्रभु जी भी क्लास करेंगे ना, चार्ट वगैरह पढ़ाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाड़ा प्रभु राज कचौड़ी वांछा कल्पतरूपस्य कृपा सिंधो भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणे संयुक्तम् वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणम त्वं सिरसा नमामि। श्रीकृष्ण चैतन्य कृपाए कवितः या मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपावलम माधव प्रेष्टकामि भक्तिदं भारते माश्रयामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमत्ल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमत्ल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत यापन प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ एवं उपस्थित हमारे श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी एवं हमारे शिक्षा गुरु श्रीपाद परमेश्वर प्रभु जी के चरण कमलों में भी दंडवत प्रणाम अपन करता हूँ एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो पिछले कुछ समय से भागवतम विषय चल रहा है, सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। मेरा स्थान ही मैं कल मैं सोच रहा था कल बोलूँ पर महाराज जी ने आदेश दिया है। फिर भी जो लास्ट हमारा विषय था वो था कि अद्वै ज्ञान पर तत्व, कि भगवान कौन है। भगवान अद्वै ज्ञान पर तत्व है, लेकिन गुरुदेव अपनी कथा में बताते हैं कि जो अद्वै ज्ञान पर तत्व है ना वही रस स्वरूप है, अर्थात वही रस है। और जो व्यक्ति बोलते हैं कि हम अद्वै ज्ञान पर तत्व को जानते हैं, उनकी जो प्रतीतियां हैं ब्रह्म परमात्मा भगवान, उन प्रतीतियों को जानते हैं लेकिन उनके जो रस है उसको स्वीकार नहीं करते, वो मूढ़मति हैं। क्योंकि जो अद्वै ज्ञान पर तत्व है वो क्या है, वो साक्षात रस स्वरूप ही है, अर्थात वो रस ही है। तो फिर गुरु महाराज बताते हैं आगे कि वो कौन है जो अद्वै ज्ञान पर तत्व है, वो क्या है, वो रसो वैसा है, कि वो पर तत्व ही रस स्वरूप है। और जीव उस रस स्वरूप की सेवा करके उनको प्राप्त करके क्या होता है, आनंद को प्राप्त करता है। एवं फिर क्या करता है, यदि जीव साधन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति करना चाहता है तो क्रम क्या है, उसको उत्तमा भक्ति का पालन करना होगा तभी तो उसको प्राप्त कर पाएगा। तो उत्तमा भक्ति के लिए गुरु महाराज श्लोक बताया करते थे कि जो वास्तविक में उत्तमा भक्ति है वो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अनुकूल भाव से सेवा ही क्या है, उत्तम भक्ति है। अब उत्तम भक्ति का पालन करते करते क्या होता है, इसमें जब जीव उत्तम भक्ति का पालन करता है तो साधन भक्ति हैते है रति रउदय, रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम कय, प्रेम वृद्धि क्रम में नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। जब साधन भक्ति को जीव पालन करते करते क्या करता है, बहुत सारे वृद्धि क्रम है उनको पार करते हो करते निष्ठा रुचि आसक्ति भाव महाभाव तक को प्राप्त करता है। अब जब जीव इस भक्ति का याजन करता है तो जब उसके हृदय में रति का अर्थात जब भाव के बाद रति का उदय होता है तो उसमें चार वस्तुएं मिलने से क्या होता है, ये जो स्थायी भाव है ये और ज़्यादा मधुरता को प्राप्त करता है। चार वस्तुएं जैसे विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारिक भाव, जब ये चारों भाव स्थायी भाव में मिलते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, उस भाव को रस रूप में प्राप्त करता है। जब स्थायी भाव में चार वस्तु मिल जाती हैं तो वो जो भाव है वो और ज़्यादा आस्वादनीय और चमत्कृत आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता है। और इसी अवस्था में और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, इसी अवस्था को भक्ति रस कहते हैं। उदाहरण, यदि हम नींबू पानी मिलाकर पिए तो हमें उस प्रकार से आस्वाद नहीं होता। यदि जैसे ये चार वस्तुएं मिला दी गई स्थायी भाव में, अगर हम उसी नींबू पानी में थोड़ा नमक डाल दें, काली मिर्च डाल दें, इत्यादि वस्तुएं डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, और ज़्यादा आस्वादनीय हो जाता है। उसी प्रकार जब ये चार वस्तुएं स्थायी भाव में मिलती हैं तो क्या होता है, ये चार वस्तुओं के मिलने के बाद जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाता है, वरस को प्राप्त करता है। तो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कि 12 प्रकार के रस हैं जिनमें 5 मुख्य हैं और 7 गौण हैं। तो इन समस्त रसों के मूर्तिमान स्वरूप कौन है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो हैं इन समस्त रसों के मूर्तिमान स्वरूप हैं और वो इसको आस्वादन करने वाले हैं, वो भोक्ता हैं। और जो हम सब कौन हैं, हम सब भोग्य वस्तु हैं। तो अन्य अन्य अवतारों में रस की उपस्थिति थी लेकिन पूर्ण रूप में नहीं थी। जैसे ये जो पूर्ण रस हैं कितने हैं, 12 हैं। अन्य अन्य अवतारों ने कुछ एक रसों के विषय रहे हैं लेकिन पूर्ण 12 रसों के विषय नहीं रहे हैं। लेकिन केवल एकमात्र जो कृष्ण हैं वो कौन है, वो 12 विषयों के जो 12 रस हैं उनके विषय रहे हैं।
जैसे इसमें आगे बताया है कि शांत रस के विषय ब्रह्म भी हो सकते हैं, परमात्मा भी हो सकते हैं। दास्य रस के जो विषय हैं वो अन्य अन्य अवतार हो सकते हैं भगवान के, जैसे नारायण, राम, नरसिंह इत्यादि। लेकिन जो समस्त 12 रसों का आस्वादन किया है वो किसने किया है? एकमात्र कृष्ण ने ही किया है। श्ल रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण में वर्णन करते हैं कि अखिल रसामृत मूर्ति प्रसर्म चिरुद्ध तरकायली काली कलित श्यामा ललितोषा राधा प्रयान विधुर जयती। अर्थात जो कृष्ण है वही कौन है? वही अखिल रसामृत मूर्ति हैं। जो तारिक, पाली, श्यामा, ललिता आदि जो गोपियां हैं, प्रत्येक पक्ष की गोपी को अपनी ओर अपनी एक छटा से आकर्षित करते रहते हैं और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे कृष्ण को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद भी किन कृष्ण को प्रणाम करके मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं? जो अखिल रसामृत मूर्ति हैं और जो पूर्ण रूप से क्या है? रसों के विषय हैं। तो भगवान कृष्ण, फिर लास्ट टाइम भी बताया था कि भगवान के जो अन्य अन्य अवतार हैं वो भगवान से तत्वता तो अभिन्न हैं, लेकिन अगर रसगत विचार किया जाए तो उन्होंने भी क्या किया है? पूर्ण रूप से रसों का वो उस तरह से आस्वादन नहीं किया जिस तरह से कृष्ण ने किया है और अपने भक्तों को कराया है। तो श्रीमद् भागवतम में इन 12 विषयों को, इन 12 विषयों के विषय में वर्णन आता है कि किस प्रकार से कृष्ण ने एक ही समय में 12 रसों का क्या किया? आस्वादन किया। जब कृष्ण मथुरा में गए कंस के रंगशाला में, तो वहाँ पर एक ही समय में कृष्ण ने क्या करा? पूर्ण 12 रसों का आस्वादन किया। श्लोक भी आता है कि मल्ला नाम अश्नी नृणाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो अस्ताम क्षितिभुजा शास्त्र स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्व परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेति विदितो गुरु रंग गता समाग्रज। यहाँ पर जो मल्ल हैं अर्थात जो चारों मुष्टिक हैं, उन्होंने यहाँ पर कृष्ण का वज्र रूप में दर्शन किया। कृष्ण कहाँ सुकोमल, परंतु वो अपने भाव स्वरूप कृष्ण का क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं वज्र रूप में। साधारण लोग नरो तथा श्रेष्ठ उन रूप में दर्शन किया, मतलब पूर्ण रूप में कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने अपने अपने भाव अनुसार क्या किया? कृष्ण को दर्शन किया। और वहाँ पर कृष्ण ने किसके विषय थे? पूरे 12 विषयों के ही विषय थे। जैसे यहाँ पर एक ही कृष्ण का दर्शन योगियों ने शांत और वृष्णियों ने दास्य के रूप में दर्शन किया। जो हास्य प्रिय गोपाल बाल थे उन्होंने साख्य और हास्य के रूप में दर्शन किया। जो नंदादि गोपो के उम्र के जो ग्वाल बाल थे उन्होंने वात्सल्य और करुण के रूप में दर्शन किया। स्त्रियों ने मधुर रूप में दर्शन किया, मल्लों ने वीर तथा साधारण मनुष्यों को अद्भुत, भयभीत राजा को रौद्र और भोजपति कंस को भयानक एवं जड़ बुद्धि वालों को विभत्स के रूप में क्या हुआ? भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। अथवा दूसरी तरफ लरूप गोस्वामी पाद ही श्री भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि दूसरी तरफ जब ब्रज में गोवर्धन लीला को संपादित किया गया तो गोवर्धन लीला के अंतर्गत भी कृष्ण ने क्या किया? 12 के 12 रसों का आस्वादन किया था, केवल मथुरा में नहीं किया था। तो श्लोक है, स्वामिन धूरे या धूरे प्यानी शिशु इत्यादि इत्यादि। श्लोक तो बड़ा लंबा है। तो हाँ, एक ही कृष्ण में क्या है? 12 रसों का 12 रस दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर जब गोवर्धन लीला हुई तो गोवर्धन धारण करके जब गोपियों के दर्शन हो रहे हैं कृष्ण को, तो कृष्ण की रोमावली क्या हो रही हैं? पुलकित हो रही हैं। तो वहाँ पर श्रृंगार रस का उदय हो रहा है, पहला रस। दूसरा वात्सल्य रस, जो कृष्ण के छोटे सखा हैं वो डंडे तथा डंडियाँ लगा लगा कृष्ण की सहायता कर रहे हैं, तो कृष्ण का उनके प्रति वात्सल्य रस आ रहा है। तीसरा वात्सल्य रस आ रहा है और हास्य भी आ रहा है। तीसरा साख्य, जो समान आयु के गोप बालक हैं उनके सामने गिरिराज धारण कर रखा है, तो उनके साथ क्या है? साख्य रस का आस्वादन हो रहा है। और वीर्य रस का जो भी आस्वादन हो रहा है, वीर्य और साख्य का हो रहा है।
दास्य जो वृद्ध गोप हैं उनके प्रति दास्य रस का संचार हो रहा है, तथा साथ ही साथ भय भी हो रहा है कि मेरे कहना पे, मेरे कहने पर इन्होंने इंद्र की पूजा भंग करके गोवर्धन पूजा की तो भयभीत भी हैं ये। तथा पांचवा, शांत गोवर्धन के अपने वाम हाथ की उंगली पर धारण किया, इतना करने पर भी किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं, शांत खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर शांत रस का भी आस्वादन हो रहा है। अद्भुत, कृष्ण जब बाहर की ओर देख रहे हैं तो वर्षा हो रही है, वर्षा की बूंद देख रहे हैं कि क्या है, हाथियों की सूंड के समान वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, तो वह देखकर अद्भुत रस का आस्वादन हो रहा है। रौद्र रस जब इंद्र की ओर देखते हैं तो क्रोध कर रहे हैं, जो दही पूजा के लिए लाई गई थी वो गिर गई, उसके कारण विभत्स रस का संचार हो रहा है। इत्यादि इत्यादि, जब गोवर्धन लीला को भी संपादित किया गया तो वहाँ पर भी कृष्ण ने क्या करा, वहाँ पर भी कृष्ण क्या थे, जो 12 विषय हैं, जो 12 रस हैं उसके विषय थे, तो 12 रसों का आस्वादन कर रहे हैं। ठीक है जी महाराज, वांछा कल्पतरु वश्य कृपा सिंधु भाई बच्चा पति धर्म पावन कृष्ण। ओम अज्ञान तीव्रांधस्य ज्ञानंजन शलाखया चक्षुरुन्मीलित तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरी गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। एक बार गुरुदेव बता रहे थे अभी 2 दिन पहले कि यदि एक बार यदि कोई कथा भी सुन ले तो उसके साथ मतलब उसकी क्या महिमा है कथा की। तो गुरुदेव बता रहे थे एक बार एक फेरी वाला था जो गांव में जा जा कर फेरी लगाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो ऐसे ही एक बार वो एक गांव में गया जहाँ पर उसको फेरी लगाते लगाते उसको रात हो गई, देरी हो गई थोड़ा। तो जब रात हो गई उसको वहाँ पर, तो उसने गांव वालों से बोला कि मुझे यहाँ पर रुकने की व्यवस्था करवा सकते हैं। तो पहले गाँव में क्या करते थे लोग कि कोई भी बाहर से आता था तो उसको मंदिर वहाँ पे आसपास कोई अच्छा मंदिर ऐसा कुछ होता था तो उसको वहाँ रुकवा देते थे। तो उसको मंदिर में क्या किया, गांव वालों ने मिलकर सोचा ठीक है फेरी लगा था, थक गया होगा सुबह से तो इसको मंदिर में रुकवा देते हैं। तो उसको मंदिर में रुकवा दिया। अब वो सोचा ठीक है अब रुकवा दिया, तो उसने सोचा कि सुबह से थक गया था वो, उसको नींद आ रही थी, तो क्या किया उसने वहाँ फेरी लगा कर सो गए, मतलब फेरी वहीं पर अपनी खड़ी करके वहाँ सो गए मंदिर में। जब मंदिर में सो गया तो रात में क्या करते हैं लोग, गुरुदेव बता रहे थे पहले के लोग क्या करते हैं, गांव के सब लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं और फिर थोड़ी देर भजन कीर्तन करते हैं। तो वो क्या किया, जब गांव के लोग वहाँ इकट्ठा होकर वापस चले गए मंदिर भजन कीर्तन करने के लिए, तो जो फेरी वाला था वो सो नहीं पा रहा था। वो सोचा था मैं सुबह से थका हूँ ऐसे तो मैं सो नहीं पाऊँगा। तो क्या किया फिर उसने सोचा कि अगर मैं सोता रहूँगा तो अच्छा नहीं है। तो उसने क्या वो क्या किया, एक खम्भे के पास जाकर वो बैठ गया, खम्भे के पास जाकर बैठ गया। जब खम्भे के पास जाकर बैठ गया तो उसने क्या किया, मतलब ऐसे कथा सुन रहा था, आधा सुन रहा था आधा सो रहा था। उसने ऐसे कथा श्रवण की और कीर्तन सुना। तो ऐसे करते करते पूरा अपना जीवन निर्वाह करता था फेरी लगाते लगाते।
लेकिन जब उसकी एक बार आयु पूरी हुई तो यम के दूत आए उसको ले जाने के लिए। जब उसको ले गए तो यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से कि बताओ इसने अपने पूरे जीवन में क्या किया है। तो चित्रगुप्त ने बोला महाराज जिसने तो पूरे जीवन में पाप ही पाप किया है, लोगों से पैसा ठग के और अपना जीवन निर्वाह करता था, लोगों को ठगता था ये फेरी लगा लगा के। तो यमराज ने बोला फिर चित्रगुप्त से देखो इसने कुछ तो अच्छा काम किया होगा। फिर चित्रगुप्त ने बोला हाँ महाराज इसने एक अच्छा काम किया। बोले क्या? बोले एक बार एक मंदिर में बैठ के कथा कीर्तन सुन रहा था वो भी, लेकिन इसने पूर्ण रूप से नहीं सुनी, आधा सुना आधा सोया ऐसे। तो भगवान ने सोचा कि चलो ठीक है, तो भगवान ने कहा कि ठीक है इसको एक एक दिन के लिए नर्क मिलेगा, ऐसा एक घंटे ना एक एक घंटे के लिए नर्क, एक घंटे के लिए स्वर्ग मिलेगा और बाकी इसको जो अपने से पाप किया उसका फल फलस्वरूप इसको नर्क भोगना पड़ेगा। तो जब इसको एक घंटे स्वर्ग भोगना पड़ा तो उससे पूछा कि आप पहले क्या नर्क में जाना पसंद करोगे या स्वर्ग में? तो उसने बोला कि पहले मैं स्वर्ग चले जाता हूँ क्योंकि बाद में तो मैंने पाप ही पाप किया तो नर्क तो भोगना ही है लंबे समय तक, तो स्वर्ग में चला गया। तो जब स्वर्ग में चला गया तो वहाँ पर वो घूमने लगा तो उसको मेनका आदि ये सब अप्सराएं दिखी। तो बाद में वो घूमते घूमते ऐसे चला गया एक जगह जहाँ पर कथा कीर्तन हो रहा था और वो कौन कर रहे थे बता रहे थे गुरुदेव, वो वहाँ पर एक उपेंद्र थे जो वहाँ पर कथा कर रहे थे, इंद्र के छोटे भाई वो कथा कर रहे थे। तो ये क्या किया वहाँ जाके कथा में बैठ गए। जब कथा में बैठ गए तो इन्होंने सोचा कि ये तो चालाक थे ही, तो ये सोचे कि अगर मैं वहाँ पर आदि का तो सुना और आधा सोया अगर ऐसे मिला तो मुझे एक घंटे के लिए स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो उसने सोचा कि यहाँ कथा चल रही है मैं यहीं बैठ जाता हूँ, वो लोग अगर कथा हो रही है तो वो लोग मुझे यहाँ लेने नहीं आएंगे। तो वो क्या किया वो वहीं बैठ गया। तो जब वहीं बैठ गया तो उसने देखा एक घंटा टाइम पूरा हो गया अभी तक कोई लेने नहीं आया। तो जाकर जब देखा उसने एक घंटा हो गया अभी तक कोई लेने नहीं आया तो उसने कहा कि जब तक मैं बैठूँ कोई मुझे लेने नहीं आएगा, यहीं आनंद प्राप्त करता हूँ। तो वो और जम के वहाँ बैठ गया। जब बैठ गया तो बाद में फिर यम दूत आए, वो बोले कि देखो हमारा यहाँ पे एक व्यक्ति है जो यहाँ पर आकर यहाँ पर आया था, देखो वो कहाँ है। जब उन्होंने वहाँ पर आके देखा ढूंढते ढूंढते तो वहाँ पर वो कथा में बैठा हुआ था। जब कथा में बैठा हुआ था तो ये उसको तो ले जा नहीं सकते थे क्योंकि वो कथा में बैठा था। गुरुदेव बता रहे थे यदि कोई कथा कीर्तन बैठा है तो यम के दूत यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कथा में बैठा है अर्थात भगवान की गोद में बैठा हुआ है। तो फिर वो कथा में बैठा हुआ था उसको लेकर नहीं गए। तो चित्रगुप्त ने बोला कि आप उसको लेकर नहीं आए, उसको नर्क में भेजना था। तो बोले कि हम क्या करें, वो तो वहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, हम उसको कैसे लेकर आएं। तो जब चित्रगुप्त ने सोचा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, लेकिन बस बाद में फिर क्या था बस इतना ही था बाद में उधर इतना ही था उसमें बस कथा की महिमा है कि यदि कोई थोड़ा देर भी कथा श्रवण करता है तो उसको वैकुंठ जाने का भी प्राप्त जा सकता है, स्वर्ग प्राप्त हुआ उसको। कथा की इसमें यहाँ पर कथा की महिमा बता रहे हैं कि कथा की क्या महिमा, बस इतना ही सुना था। वांछा कल पद्रवास के पास सिंधु भाई बावले वैष्णव जी ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम।
तदुपरांत यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं और इसमें हम अलग अलग वक्ताओं के मुख से अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही बात को अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमने पूर्व में श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उनके महात्म्य को श्रवण किया था, फिर उसके बाद प्रथम स्कंद की कथा शुरू हुई थी। श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उसमें जो भी बात जैसे शुरू में जो प्रश्न आदि पूछे हैं वो आगे जाकर के एक एक चीज रिलेट हो जाएगी, आगे जाकर के एक एक चीज रिलेट हो जाती है। जैसे शुरुआत में जैसे हमने श्रवण किया था, अभी तुलसीदास प्रभु भी बता रहे थे कि कैसे नैमिषारण्य के अंदर में जो शौनक आदि ऋषि हैं उन्होंने सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछे थे। जो 6 प्रश्न पूछे थे उसमें से जो पहला प्रश्न था जो जीव का जीव मात्र का एकांतिक श्रेय, जैसे आत्मा को शांति कैसे मिले। दूसरा प्रश्न था कलयुग में भगवान की भक्ति करने का सबसे सरल उपाय, सबसे सरल उपाय। और जो तृतीय प्रश्न था वो था वासुदेवेर चरित्र। चौथा था कृष्ण के विभिन्न अवतारों की कथा। पांचवा प्रश्न था कि भगवान की यश लीला, औदार्य लीला, यश लीला का वर्णन कीजिए, ये पांचवा प्रश्न था। और छठा प्रश्न था कि कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद में इस धर्म ने कहाँ आश्रय लिया। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत गोस्वामी जो थे वो अत्यंत प्रसन्न हो गए थे कि इस ही प्रकार के प्रश्न जो है वो साधु के समक्ष पूछना चाहिए। संसार आदि की बातें हमें साधु से ज्यादा नहीं करते हुए अपने आत्म कल्याण की बात को करना चाहिए। तो जो पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि समस्त जीव इस संसार में आनंद की ही खोज करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक चाहे मनुष्य शरीर हो या अन्य कोई भी शरीर हो, जो भी क्रिया होती है वो केवल मात्र आनंद को ही प्राप्त करने के लिए होती है। लेकिन फिर भी आनंद प्राप्त नहीं हो पाता, क्यों? इसीलिए ये जो प्रश्न है ये सभी से ही जुड़ा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर देने से पहले जो सूत गोस्वामी जो हैं उन्होंने वहां पर मंगलाचरण श्लोक को बोला, उन्होंने अपने गुरुदेव की स्तुति बोली। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम कृष्ण द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान त्वस्मि। यहां पर उन्होंने स्तुति करते हुए बोला कि मेरे गुरुदेव कौन है, मैं किन गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूं, वो जो जन्म के साथ ही ऐसे विरक्त थे कि किसी भी प्रकार का उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं, कोई संस्कार का कोई लक्षण उनके ऊपर में नहीं। जन्म के साथ जैसे मानो जो नाड़ होती है माता से जुड़ी उसी को ही जनेऊ बना करके वो वन की ओर धावित हो गए, और उनके जो पिता हैं वो पुत्र विरह में हा पुत्र कहते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो यहां पर कहते हैं सर्वभूत हृदय, उन्होंने सभी वृक्षों जो लता पता आदि के अंदर प्रवेश करके सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या करा, कहा कौन किसका पुत्र, अपने पिताजी को उत्तर दे दिया। तो यहां पर ये इस प्रकार की स्तुति करने का क्या तात्पर्य है कि गुरुदेव जो थे वो जन्म से विरक्त थे और ऐसे वृक्षों में घुस करके उन्होंने सब पिता को दे दिया कि कौन किसका पुत्र, इस प्रकार का जो आदेश दे दिया, क्या तात्पर्य है? इस प्रकार की स्तुति सूत गोस्वामी जी क्यों कर रहे हैं? तो यहां पर विष्णु चक्र ठाकुर जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि यहां पर जो शौनकादिक ऋषि हैं उन्होंने प्रश्न किया है कि आत्मा को शांति कैसे मिले। तो यहां पर सूत गोस्वामी जी सोच रहे हैं अगर मैंने ऐसी कोई बात बताई और अगर आत्मा को शांति नहीं मिली तो तब तो बात नहीं बनेगी, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। हमारी परंपरा क्या है, महाजन येन गता सपन था, जिस पथ पर पूर्व आचार्य महाजन जो बात को पहले कह गए हैं या शास्त्र रूप में रख गए हैं हमको उसी का ही आचरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। लेकिन
पूर्व आचार्य तो बहुत कुछ बात बता गए हैं, ज्ञान की बात भी है, योग की बात भी है, भक्ति की बात भी है, बहुत प्रकार की बात है, यज्ञ आदि की बात भी है, सारी बात लिखी हुई है, लेकिन ऐसी बात बतानी है जिससे आत्मा को शांति मिले और वो भी तुरंत। इसीलिए यहां पर जो सर्वभूत हृदयेषु, यहां पर सुध गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, आपने क्या किया था, समस्त जीवों के हृदय में आपने निवास करते हुए और समस्त जीवों के हृदय में प्रेरणा देकर के आपने बात को बुलवाया था। आज मेरे समक्ष ये प्रश्न रखा गया है कि आत्मा को शांति कैसे मिले, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे हृदय में आकर अवस्थित हो जाइए और आप ही उत्तर दीजिए। जैसे बोलते ना, मोर मुखे वक्ता श्री चैतन्य राय रामानंद जी, मतलब क्या है कि बोल में रहा हूं लेकिन वक्ता कौन है, भगवान ही वक्ता है। ठीक उसी प्रकार सूद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बोल तो मैं रहा हूं लेकिन वक्ता कौन है, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ही मुख्य वक्ता भागवत के हैं। तो जहां पर यह प्रश्न बोला था कि आत्मा को शांति कैसे मिले, तो उन्होंने उत्तर तो दिया, सबई पुंस अपरो धर्म यदुर भक्ति रधोक्षजे। आगे जाकर के जब हम कथा श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव के मुख से, तो यही प्रश्न आगे निकल करके आएगा जब परीक्षित महाराज जी इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। तो यहीं से ही कथा शुरू है, यहीं से ही कथा आरंभ है भागवत की। परीक्षित महाराज जी ने भी इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछे हैं। किन से पूछे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी से। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जीव मात्र को क्या करना चाहिए, जो मरणासन्न व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये सारे प्रश्न जो है वो परीक्षित महाराज जी जो है वो सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पिछली बार एक चीज हम श्रवण कर रहे थे कि पहले अधिकार आएगा या पहले जो कथा हम आदि श्रवण करेंगे, क्योंकि बताया था कि ये जो कथा आदि, जैसे ये प्रभु जी भी बता रहे थे वेणुगीत में, कि पहले अनर्थ दूर होंगे तब जाकर के भक्ति होगी, या पहले भक्ति होगी तब जाकर अनर्थ दूर होंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अधिकार में पहले ही बता दिया कि केवल श्रद्धा मात्र ही अधिकार है। श्रद्धा मात्र होने से श्रीमद् भागवत का अधिकारी व्यक्ति बन सकता है, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे तो वह अधिकारी बन जाएगा, और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से प्रथम भक्ति हृदय में आएंगे, और भक्ति देवी के आने से समस्त जो अपराध अनर्थ है वो दूर चले जाते हैं, और फिर आगे भगवान। तो ये जो भक्ति देवी हैं इनका प्रभाव बड़ा ही तीव्र है, इसके प्रभाव से देखने मात्र क्या, दर्शन दूर सुनने मात्र से ही ये समस्त जो अभद्र हैं ये सब दूर चले जाते हैं। इसलिए बताया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, सारे अभद्र प्राय की नष्ट हो जाते हैं, प्राय प्राय नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कथा है, जैसे हमने पहले सुना महात्म्य के अंदर कि जब जो सारे के सारे ऋषि मुनि जब चतुसन कथा कहेंगे, और नारद जी ने जब कथा का आयोजन किया और सारे ऋषि मुनि आ गए वहां पर, सारे राजा गृहस्थ सभी प्रकार के भक्त वहां पर आ गए, तो जिस समय जो चतुसन है उन्होंने कथा कहना प्रारंभ ही किया था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य एकदम तरुण होकर के उनके समक्ष प्रकट हो गए, केवल श्रवण करने मात्र से, ये केवल कथा नहीं है, ये क्रम बताया, प्रकट होकर के वहां भक्ति देवी पूछ रही है कि हम कहाँ बैठे हैं, कि नारद जी आपने सबको तो स्थान दे दिया, ऋषि मुनियों के लिए आपने आगे स्थान दे दिया, जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए पीछे स्थान दे दिया, स्त्रियों के लिए अलग स्थान दे दिया, देवी देवताओं के लिए भी स्थान दे दिया, सभी के लिए स्थान दिया है। भक्ति देवी बोलती हैं, हमारे लिए कोई स्थान रखा है? तब वहां पर कहते हैं कि आप क्या कीजिए, समस्त भक्तों के हृदय में ही बैठ जाइए। भक्ति देवी से क्या प्रार्थना करी कि आप समस्त भक्तों के हृदय में बैठ जाइए, और उसी क्षण सभी लोग अनुभव करते हैं कि अपने हृदय में वो बड़ा ही आनंद का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति देवी आकर के बैठ गए, और धीरे धीरे समस्त कलमश हृदय से चले गए, और एक आनंद की अनुभूति वो लोग कर रहे हैं। उसके बाद आगे जाकर के उन्होंने कहा कि अद्भुत है ये श्रीमद् भागवत, केवल श्रवण करने मात्र से भक्ति देवी हृदय में आकर के विराजमान हो गई है, और हमारे हृदय के सारे कलमश दूर हो गए हैं। जब इस प्रकार स्तुति करने लगे श्रीमद् भागवत की, तब वहां पर चतुसन ने बताया कि अरे आगे एक बड़ी सुंदर कथा है कि ये जो भागवत श्रवण से जीव मात्र तो छोड़ो भूतों तक का भी उद्धार हो गया था, और फिर कथा किसकी आई थी? गोकर्ण और धुंधुकारी। तो ये क्रम है कि भक्ति देवी पहले आ जाती है हृदय में। एक समय इसी से जुड़ी एक कथा है,
एक समय एक सेठ जी थे, बड़े धनवान सेठ जी थे, बहुत घर बार था, बड़ा महल जैसा घर था और दो पुत्र थे। लेकिन ज़्यादा धन होने से उन्होंने जो अपने पुत्र थे उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया, विदेश में जाकर के पढ़ाई करने के लिए भेज दिया क्योंकि सेठ थे। अब जब विदेश पढ़ने के लिए गए तो एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल फिर वो तो दोबारा आए नहीं। बोले पिताजी हमें तो यहीं अच्छा लगता है। मोरारी पर बोल रहे विदेशी मिल गई होगी शायद। अब वो विदेश से आए नहीं, कई साल हो गए। सेठ जी सोच रहे हैं अरे भैया बेटा इतना बड़ा घर मकान सब तुम्हारे लिए बनाया था, पूरा फर्श देखो संगमरमर का लगवाया है, पेंट देखो एशियन पेंट कराया है, इतना बढ़िया, तुम यहाँ नहीं रहते हो, पता नहीं कहाँ चले गए माता पिता को छोड़ करके। सेठ जी परेशान हो गए, इतने बड़े महल जैसे घर में अकेले कब तक रहें। पड़ोसी पड़ोसी किसी ने ज्ञान दिया, बोला सेठ जी एक काम करो, आप किरायेदार, किरायेदार रख लेने से क्या होगा, किराया का किराया आएगा और घर की सफाई भी होती रहेगी, कितना साफ करवाओगे। सेठ जी बोले बात तो सही कह रहा है। सेठ जी ने बोर्ड लगवा दिया कि भैया हमारा घर किराए के लिए खाली है, कोई लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कुछ दिन बाद कुछ व्यक्ति आए, आकर के बोले सेठ जी हम आपका घर किराए पे लेना चाहते हैं। सेठ जी बोले बहुत अच्छी बात है, किराए पे ले लीजिए, हमने तो चाहते हैं कि कोई किराए पे ले ले। बोला कितना किराया, बोला जो किराया आप बोलोगे हम दे देंगे। वो व्यक्ति ने सेठ जी बोले ये तो बहुत अच्छी बात, ये तो अच्छी कमाई होगी। बोला अच्छा हुआ बच्चे नहीं आए, यहाँ आते तो कमरा घेर लेते, ये तो बढ़िया कमाई चालू हो गई, बच्चे वहाँ कमाएंगे मैं यहाँ कमाऊंगा। सेठ जी ने कमरा जो था वो किराए पे दे दिया। अब जो वो व्यक्ति जिसने किराए पे लिए थे वो पहले तो एक था, वो धीरे धीरे दो तीन चार पांच छह हो गए। और उन्होंने क्या करा, पूरे घर को धीरे धीरे घेरना चालू कर दिया और रात भर जुआ, रात भर दारू, मांस मदिरा पान करते और जुआ खेलते सारी रात। सेठ जी तो परेशान हो गए, बोले भैया अच्छा किराए पे दिया हमने तो घर, इन्हें तो हमारा घर ही घेर लिया और ये तो गुंडे बदमाश निकले। और धीरे 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 देखा एक कमरे से दो कमरा, तीन कमरा, और बोल भी नहीं सकते। सेठ जी जो थे वो बनिया आदमी थे, हैं व्यापारी, खा लहसुन प्याज तक खाते नहीं और ये मांस मछली खा रहे हैं और जुआ हुआ सब खेल रहे हैं। सेठ जी परेशान हो गए। सेठ जी ने आकर के सुबेरे एक दिन उनसे कहा, बोला भैया हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारा घर खाली कर दो, हमें किराया नहीं चाहिए। वो बोले, बोला सेठ जी चुपचाप किराया पकड़ो और बैठे रहो, अभी तक तो हम कुछ बोले नहीं है आपको, सज्जन आदमी देख करके अभी हमने आपको हाथ नहीं लगाया, इसलिए चुपचाप बैठो, ज्यादा खाली वाली की बात करी ना तो हमारे पास और भी हथियार है। सेठ जी डर गए, बोला भैया अच्छी मुसीबत सिर में ले ली, और बच्चों को भी बता नहीं सकते, वो वहां परेशान हो जाएंगे विदेश में। सेठ जी बड़े दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए कि अच्छा घर मैंने किराए पे दे दिया। अब सेठ जी मरते क्या ना करते, उनके एक गुरु जी थे उनके पास चले गए, जाकर के बड़े दुखी मन से गुरु जी को दक्षिणा आदि दी, प्रणाम करा और बड़े दुखी मन से बैठ गए। गुरु जी ने पूछा, बोला बेटा क्या हुआ, इतने दुखी से क्यों लग रहे हो, पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भैया हमारे बेटे विदेश में पढ़ते हैं, खूब धन है गुरु जी आपकी कृपा से, बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, आज दुखी से लग रहे हो, क्या बात है। उन्होंने बताया, बोला गुरु जी घर खाली था, सोचा कुछ कमरा उमरा साफ हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ लोगों को किराए पे दे दिया, वो तो गुंडे बदमाश निकले भैया, धीरे धीरे हमारा ही घर में घुसना मुश्किल कर दिया, अब घर में निकलते घुसते में डर लगता कि क्या पता क्या ना हो जाए। गुरुजी बोले ये तो बड़ी समस्या हो गई। बोले हाँ, बोले गुरुजी क्या करा जाए आप बताओ। बोला बेटा देखो अगर कोई भक्ति की बात पूछते तो हम बता देते, अब ये समस्या का समाधान हम कैसे करें, एक काम करो बैठो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, बैठो थोड़ी देर। वो व्यक्ति वहां पर बैठ गया, बस बैठा ही था, थोड़ी देर में देखा कि एक पुलिस की ड्रेस में एक व्यक्ति चला आ रहा है, पुलिस के कपड़े में एक व्यक्ति चला आ रहा है। आकर के उसने गुरुजी को प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला महाराज जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुजी बोले हाँ भैया ठीक है, अच्छी बात है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उसने बोला कि देखो महाराज जी मैं पहले पास वाले शहर में ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर, लेकिन अभी मेरा तबादला यहाँ पर हो गया है,
आपके यहां पर, मैंने यहां से पूछा कि यहां कोई महात्मा संत कोई सिद्ध बाबा है क्या, सबने आपका नाम लिया, तो मैं आपका दर्शन करने यहां आ गया। गुरुजी बोले बड़ी अच्छी बात है, बैठो बैठो प्रसाद लो। उनको प्रसाद दिया, बिठाया, बोले कोई समस्या रहने वहने की? सब व्यवस्था तो हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुरुजी ने पूछा, नया शहर है, कोई रहने की दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने बोला, महाराज अभी मुझे जो सरकारी क्वार्टर मिलेगा ना, उसमें एक महीना है, एक महीने बाद मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि यहीं कहीं किराए पे मकान मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब जैसे उसने बोला किराए पे मकान मिल जाए, तो सेठ जी को, सेठ जी खुश हो गए, बोला अरे बाबा ये आया कमाल का आदमी। तो सेठ जी बस ऐसे ऐसे कर रहे, यूं यूं हाथ उठा रहे। गुरु जी बोले कुछ कहना चाहते हो? बोला सेठ जी अगर किराए पे चाहिए तो हमारा घर तो खाली पड़ा है, महल जैसा घर, आप आओ रहो महल में। वो बोले नहीं नहीं आपको दिक्कत होगी। अरे क्या दिक्कत होगी, हमें तो मजा आ जाएगा आप आ जाओगे तो। तो वो बोले अच्छी बात है। बोला कोई, बोला किराया? बोला कोई जरूरत नहीं किराए की। पुलिस वाला बोला कि कोई किराया देना? बोला कोई जरूरत नहीं किराए की। बोला नहीं नहीं किराया तो देंगे। बोला जो मर्जी है देना देना, नहीं देना मत देना, हमारे घर में रहो बस। वो पुलिस वाला बोला अच्छा, गुरु जी के पास में आया, पुलिस वाले का भी काम वहां बनता नजर आ रहा है और ये सेठ जी का भी काम वहां पे बनता नजर आ रहा है। अब अगले दिन जो है वो बोला कि मैं, पुलिस वाला बोला तो अच्छी बात है, कल सुबह मैं अपने सामान के साथ वहां पर आ जाऊंगा। सेठ जी बोले ठीक है आपका स्वागत है। शाम को जो है सेठ जी उछलते कूदते घर में गए, बड़ी खुशी से पत्नी को बोला चाय बनाओ। और वो जो चोर थे, जो डाकू जो घर में कब्जा करके बैठे थे, वो सोच रहे हैं सेठ रोज तो बड़ा दुखी रहता था, आज बड़ा उछल कूद करता हुआ आया है, पता नहीं क्या नुस्खा लेके आया, कहीं कुछ काट तो नहीं ले आया। चोर वहां परेशान हो रहे हैं और सेठ जी जो है वो आकर के आराम से बैठ गए। वो चोर आकर के बोले हाँ सेठ जी क्या हाल चाल है? बोला बेटा बहुत बढ़िया है, तुम लोग आराम से रहो, कोई चिंता नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आराम से रहो। अगले दिन सुबह ने देखा तो पुलिस की गाड़ी चली आई, टू डू 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 करती। पुलिस की गाड़ी में वो इंस्पेक्टर का सामान रखा था, वो धीरे धीरे सामान उतार उतार के सेठ जी के पास वाले कमरे में रखने लगे। चोर बोले भैया ये क्या चक्कर है, कौन आया है? बोला कुछ नहीं। सेठ जी बोले कुछ नहीं, वो एक पुलिस वाला आईपीएस ऑफिसर है, वो हमारे घर में किराए पे रहेगा, इसलिए हमने उसको पास वाला कमरा किराए पे दे दिया, तुम आराम से रहो, कोई चिंता नहीं, तुम आराम से रहो। वो चोर क्या था, बस जैसे सामान अंदर गया ताला लगा, चोर 9-2-11 हो गए, सारे के सारे वहां से भाग गए। केवल उसका सामान ही आया था और चोर वहां से भाग गए। तात्पर्य क्या है, ये सेठ जी कौन है? ये हम ही लोग सेठ जी हैं। ये हृदय मंदिर खाली था तो हमने क्या करा, वासनाओं को स्थान दे दिया, काम क्रोध लोभ मद मोह, धीरे 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 इन्होंने कब्जा जमा लिया। अगर हम सोचे कि हम अपनी चेष्टा से पहले इसे भगा दें तो ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन भक्ति के आभास मात्र से, बस उसका श्रवण सुनने मात्र से, बताया ना भागवत के सुनने मात्र से, सुनने की इच्छा करने मात्र से, ये समस्त कलमश ठीक वैसे ही भाग जाते जैसे ये चोर पुलिस का नाम सुन के भाग गए ना घर से। सेठ जी कितने परेशान थे, कितने परेशान थे ना, लेकिन एकदम से। और यहां पे गुरु जी का भी रोल बीच के अंदर है, किसका रोल है? गुरु जी का रोल है। ठीक इसी प्रकार अगर हम श्रीमद् भागवत जो कथा है अगर उसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे तो प्रथम ये सारे के सारे जो पहले भक्ति देवी जो है वो हृदय में आकर अवस्थित होंगे और उसके प्रभाव, उसके प्रभाव से क्या, उसको नाम सुनने मात्र से ये सारे कलमश दूर भाग जाते हैं और भगवान आकर हृदय में बैठ नहीं जाते, अंदर घुस करके गेट को अंदर से बंद कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं। कोई टेढ़ी वस्तु अंदर घुसती है तो निकलती नहीं, सीधी घुसेगी तो निकल जाएगी, लेकिन कृष्ण ऐसे इष्ट हैं, ऐसे देवता हैं जो एक बार हृदय में प्रवेश करते हैं तो फिर कभी भी नहीं निकलते। इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सुत गोस्वामी पहले सारे बाहरी इंद्रियों को निंदा करते हुए, अगर ये इंद्रियां कृष्ण सेवा में नहीं लगता हैं, ये इंद्रियों को अधिकार है और ये इंद्रिय बेकार है। लेकिन फिर उन्होंने अंतर इंद्रियों को उन्होंने निंदा की। क्या बोले? बोले तदस्म सारम हृदय बधेतम जद गृहमाणई हरिनाम धेयई न विक्रियतार्थ जदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्ष। अगर भगवान की कथा सुन करके अगर हृदय हमारी गदगद नहीं हो, आँखों से अगर आंसू नहीं बहती हैं, अगर हमारी रोमांचित नहीं होता हो, तो क्या है? वो हृदय नहीं, वो हृदय के पत्थर है। फिर हम लोग श्रवण कर रहे थे, लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हुए हैं, भक्तिमनोहर ठाकुर का एक कीर्तन है, लंप झंप अकस्मात, भक्तिमनोहर ठाकुर का कीर्तन है। कुछ लोग अभ्यास करते हुए छलांग लगना, कूदना, तरह तरह का नेत्र से आंसू को बहना, कुछ लोग कपटता पूर्वक, अभी हृदय में कोई द्रवीभूत नहीं, लेकिन ऊपर इंद्रिय हैं, अभ्यास करते ही ऊपर इंद्रियों से तरह तरह का विकार को दिखाते हैं, कहते वो पिछली स्वभाव है, वो सही चीज नहीं है। इसलिए हृदय अगर द्रवीभूत तो हो करके अगर आंखों से आंसू प्रवाहित तो होता है, तभी तो ये सही है। इसलिए तब श्री इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर किसको अंदर में ये ना गुण दिखाई बगैर, अगर किसको आंखों से आंसू रोमांच कंपास रोता है, क्या समझनी चाहिए? अभ्यास द्वारा कर रहा है, ये कपड़े तक झुकता है। इसलिए नौ गुण क्या आनी चाहिए? शांति, मतलब खोभी खोब का, मतलब दुख का कारण आने पर भी जिसका हृदय कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए जैसे से युधिष्ठिर महाराज है, इनका नाम ही युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब क्या है? जो युद्ध अवस्था में भी जो जिनका बुद्धि स्थिर रहता है, युद्ध अवस्था में भी जिनका हृदय कभी विचलित नहीं होता है, हैं? इसलिए भले ही जितना विपत्ति आ जाए, लेकिन भगवान के भजन नहीं छोड़ते। लेकिन साधारण व्यक्ति जैसे हम लोग हैं, अगर कोई अगर थोड़ी सी दुख कष्ट आ जाए ना, देखना भगवान भगवान एकदम एकदम याद नहीं आता है, केवल वही दुख का विषय याद आएगा। ये जो परेशानी आ गया, अभी क्या होगा? ये जो परेशानी होगी, अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? हैं? इसलिए अव्यर्थ काल तम, समय को कभी वो बर्बाद नहीं करता है। लेकिन साधारण जीव क्या है, बस यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो, कृष्ण नाम लयते आलिस, अगर दूसरी बात बताओ ना, अभी भूत का गल्प करना शुरू कर दो, बस सारे भूत 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 हैं, इधर उधर की बात करो, उसमें बड़ा आग्रह आ जाता है, बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। अगर बोले भगवान का हरि नाम करो, बोले नींद आ रही, तकिया लाओ, नींद आ रही, तकिया लाओ, नींद आ रही। इसलिए झूमे झूमे तलाश वाले भक्तिमनोहर ठाकुर कहते हैं, इसलिए नींद आ जाती है। अभ्यर्थ काल, तुम कभी समय को नष्ट
नहीं करते हैं। विरक्ति कहते जो विषय में उसकी विरक्ति है और भगवान की भक्ति में जो अनुरक्ति है। लेकिन साधारण जीवों का है, साधारण जीवों का अगर स्मार्टफोन मिल गया ना, फिर तो रात रात देखना शुरू कर देते हैं, है? फिर इधर उधर चीज में बड़ा इंटरेस्ट आता है। लेकिन भगवान की भक्ति को बात बताओ ना, है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, हैं? उसमें कोई रुचि नहीं होता है। लेकिन जब वो भाव भाव का अंकुर अवस्था आता है, क्या होता है कि तो उस समय में कोई इधर उधर की अगर कोई बात करे, कृष्ण भक्ति विमुखता कोई बात करे ना, भले बेकार क्यों समय नष्ट कर रहे हो, हैं? बेकार समय नष्ट मत करो, हरि नाम करो, भगवान की भजन करो, हैं? व्यक्ति मान शून्यता, जिसके हृदय में किसी तरह की मान की कोई इच्छा ही नहीं रहता है, हैं? मान की कोई इच्छा ही नहीं रहता है। लेकिन बद्ध जीव का स्वभाव क्या है, हैं? बद्ध जीव का स्वभाव क्या है, हाँ, अगर इज्जत मान मिलेगा तो फिर जा करके हम लोगों का आनंद होता है। लेकिन अगर इज्जत अगर मान नहीं मिलेगा तो छोड़ो बेकार, हमारा कोई जरूरत नहीं इसमें। इसलिए बद्ध जीव का रुचि एकदम उल्टा तरफ में, मान शून्यता आशा बंध, उसका हृदय में संपूर्ण रूप में निश्चयता रहता है, जरूर हमें भगवान मिलेंगे ही, जरूर मिलेंगे। समुत्कंठा हर समय उसके हृदय में उत्कंठा बनी रहती है, कब भगवान मिलेंगे, कब भगवान मिलेंगे, कब भगवान का कीर्तन करो, कब भगवान की भक्ति करो, हैं? नाम गाने सदा रुचि, हर समय भगवान का कीर्तन में नाम में हर समय उसकी रुचि बनी रहती है, कभी उसकी अरुचि नहीं रहती है। और उसके बाद में नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान कथा सुनने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते जो जीवेत, मतलब जैसे भोजन के बगैर हम रह ही नहीं सकते हैं, अगर ऐसे स्वभाव आ जाए, एक दिन अगर भगवान की भजन नहीं करे, कीर्तन नहीं करे, भगवान की कथा नहीं सुने, कैसे लगे? आज दिन तो हमारा संपूर्ण बेकार चला गया, जिन दिन हमारे आज सारा दिन बर्बाद हो गया, आज सारा दिन कथा नहीं सुने, हैं? सारा दिन कथा ही नहीं सुने, ठाकुर का हरिनाम ही नहीं किया, भजन ही नहीं किया, ऐसे ही समय बीत गया, हैं? इसलिए रुचितात बसत स्थले, भगवान की जो लीला स्थलियों में उसकी बड़ी रुचि रहती है। कहती ये भाव की अंकुर आते ही कहती ये सारे जो नौ लक्षण हैं, ये नौ के नौ लक्षण अगर दिखाई पड़ता है, हैं? अगर उसको हृदय अगर पुलकित, आंखों से आंसू, रोमांच कंपा शुरू हो, नहीं तो ठीक है। ऐसे नहीं यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए, जैसे बता रहे ना हरिदास ठाकुर का समय में, हैं? हरिदास ठाकुर जिस समय नृत्य कर रहे थे, हरिदास ठाकुर एक सापुड़े आकर के सांप को, जैसे कृष्ण जैसे कालियों के सर पर नृत्य कर रहे थे, उसको भजन गा रहे थे और सांप को खेला दिखा रहे थे। हरिदास ठाकुर सुनते ही एकदम आविष्ट हो गए और आविष्ट हो करके आ करके नृत्य करने लगे, और जब मूर्छित होकर हरिदास ठाकुर गिर गए, सारे लोग उनके चरण धुल ले रहे थे, सारे लोग चरण धुल ले, सबको पता हरिदास ठाकुर भक्त है, हैं? हरिदास ठाकुर परम भक्त है। लेकिन एक ब्राह्मण था बड़े ईर्ष्यालु स्वभाव का, बोले भैया नाचते नाचते अगर गिर पड़े तो लोग बड़े चरण धुल लेते, लोग तो बड़े चरण धुल लेते, उसने क्या किया, ढोंग बनाते हुए उसने भी नाचते नाचते गिर पड़ा। जब गिर पड़ा जो सापड़ा था, सापड़े ना वो तो जानता है हरिदास ठाकुर का महिमा जानता है, बोले ये ढोंगी प्रतिष्ठा लेने के लिए तू है, उठाया अपना छड़ी को मारे उसको ऊपर, पिटाई किया तो वह भागे प्राण को लेकर के, हाँ इतने में भाव खत्म हो गया, हाँ भाव खत्म हो गया। इसलिए क्या हुआ, फिर तो लोगों ने पूछा, बोले आप ऐसे किया क्यों किया, हरिदास ठाकुर जब नृत्य कर रहे थे आप तो हाथ जोड़ करके बड़े भाव को साथ में दर्शन कर रहे थे, लेकिन जब इसने गिरा उसको पिटाई क्यों किया, बोले ये दुष्ट बदमाश, ये प्रतिष्ठा लोभ से हैं, ये प्रतिष्ठा लोभ से उसने गिरा है, इसलिए मेरे को ये बात पता है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, ये नौ लक्षण को साथ में अगर ये भक्ति हो तब तो ठीक है, नहीं तो क्या है, ये कपड़ता ही ये ढोंग है। तब यहाँ श्री प्रभुपाद कहते हैं, बोले कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बोलिले अपराधेर नहाय विकार,
कहते जो कृष्ण नाम है ये क्या करता है, ये अपराध का विचार करता है। अगर अपराध है, अगर हम कृष्ण नाम ले तो क्या होगा, हृदय में विकार नहीं आएगी। बोले एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, कहते एक कृष्ण नाम जब तो पाप हरे, पापी रसाध्य नहीं तत्व पाप करे। एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति, इतने पाप को ये नष्ट करता है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके। लेकिन प्रेमेर कारण भक्ति करे प्रकाश, एक कृष्ण नाम सारे अपराध को दूर करते हुए हृदय में प्रेम को, हृदय में प्रेम को प्रकाश कर देते हैं। लेकिन प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, स्वेद कम प्रफुल्लक आदि गदगद आशुधार, कहते प्रेमेर विकार उदय होने पर क्या होगा, शरीर में स्वेद कंप गदगद अश्रु इसकी धार बहती हैं। लेकिन अनायस भवक है कृष्ण सेवने, एक कृष्ण नाम रे फल पाई एत धन, कहते अगर एक कृष्ण नाम करने पर कितना फल एक कृष्ण नाम का किया, बोले अनायस हमें ये भवसागर से बास बंधन से मुक्त हो जाओगी। अनायस भवक है और कृष्ण की चरण की सेवा मिलेगा अगर एक कृष्ण नाम करने पर, एक कृष्ण नाम मेरे फल पाई एतो धन, एक कृष्ण नाम करने से इतने धन जीव को मिलता है। लेकिन है ना कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, लेकिन ऐसे कृष्ण नाम को अगर हम बहु बार लेते हैं हैं, तबु यदि प्रेम न है न है अश्रुधार, अगर कृष्ण नाम लेकर के अगर आंखों से अशुभ प्रभावित नहीं होता है, हृदय गदगद नहीं होता है, पर क्या समझो, तबे जानी हो कृष्ण ताहते अपराध प्रचुर, कृष्ण नाम ताहे ना करे ताक ना करे अंकुर। इससे क्या पता चले, कहते हृदय में अभी हमारी अपराध है, अपराध की वजह से हृदय में अभी विकार नहीं आ रहा है, इसलिए क्या करनी चाहिए। इसलिए श्री बावन गोस्वामी महाराज कहते थे क्या करनी चाहिए, रो रो करके हरिनाम को, रो रो करके हरिनाम करनी चाहिए, हृदय से पुकार पुकार करके हरि नाम करनी चाहिए, हे हरे हे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कहते हृदय से पुकार पुकार करके रो रो करके हरि नाम को करनी चाहिए और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे हरे बने हे राधा रानी हे कृष्णा, हम आपका नित्य सेवक है नित्य दास है, आपको भूल करके ये संसार में आए, इसलिए कृपा करके हमें चरण की भक्ति और चरण की हमें सेवा प्रदान करो, हृदय से पुकार पुकार करके हमें हरि नाम करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले नयनम गलद सुधारया, बदनम गदगद रुधया गिरा, पुलकैर निचितम बपो कदा तब नाम ग्रहणी भविष्यति। इसलिए महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कब ऐसे दिन आएगा, कौन सा दिन है, बोले नयनम गलदस्तु धारे, है ठाकुर तुम्हारी नाम लेते ही आंखों से जैसे आंसुओं की झरी बहने लग जाए, गला रुद्ध हो जाए और शरीर में पुलकित हो जाए, कब ऐसे दिन आएगा जो तुम्हारी नाम को लेकर के ये स्थिति आई। इसलिए हम भजन किस लिए कर रहे हैं, हंसने के लिए नहीं, रोने के लिए, किस लिए कर रहे हैं, हंसने के लिए नहीं, रोने के लिए ही भजन कर रहे हैं, कब हम भगवान का नाम को लेकर रोएंगे। इसलिए महाप्रभु क्या करते, जब कृष्ण नाम लेते थे दिन रात, उनको आंखों से आंसू कभी सूखता नहीं, हर समय उनकी आंखों हर समय गिली रहती थी हर समय हैं, इसलिए ऐसे हरि नाम करनी चाहिए पुकार पुकार करके। इसलिए यहाँ पर कहते बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुत चीत, क्या करनी चाहिए, बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा, अपने नाम के प्रति हमारी व्रत होनी चाहिए। व्रत मतलब क्या, जैसे हम कोई व्रत रखते हैं ना, हमने ये व्रत, व्रत मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा है। इसलिए उठते सोते बैठते क्या करनी चाहिए है, कि सहने की भोजने की बा जागरणी अहर निश्चिंत कृष्ण बोलह बदन, हर समय उठते बैठते सोते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हैं करते करते क्या होगा,
धीरे 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 उसको प्रति अनुराग आएगा। जब अनुराग आएगा क्या होगा, उसके बाद में हृदय द्रवीभूत होने लग जाएगा। क्या करते करते, बोले हरिनाम करते करते हैं, फिर क्या घासत्यथ, फिर भगवान की मधुर मधुर लीला दर्शन करने को मिलेगा। बस कभी कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे हैं, कभी कृष्ण हैं, कभी कृष्ण नटखट कर रहे हैं, प्रभु की लीला दर्शन करते हुए कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी नृत्य करेगा, कभी लोट पोट खाएगा। हाँ, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, ये सब के सब ये उनके शरीर में ये लक्षण है। कृष्ण नाम को द्वारा क्या होता है, ये सब चीज कृष्ण नाम को द्वारा प्राप्त होता है। बोले एक समय ब्रह्मा जी एक समय तपस्या में बैठे हुए थे। अभी तपस्या को देख करके नारद जी को मन में तो शंका आ गई। इतने में नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे, बोले पिताजी आप तपस्या कर रहे हो, तपस्या कब करते हो? जब हमारे कोई इष्ट होगा तभी तो हम तपस्या करेंगे ना, जब कोई इष्ट होगा तभी तो ध्यान लगाएंगे। तब नारद जी बोले, पिताजी इसका मतलब है आपका भी कोई इष्ट है। मैं तो पहले सोचता था आप ही जगत का हर्ता कर्ता विधाता आप ही हो, लेकिन मैं देखता हूँ आप भी तपस्या में बैठे हुए हो। पिताजी आप किसकी ध्यान कर रहे हो? जब उन्होंने ये प्रश्न उन्होंने की, तब श्री ब्रह्मा जी बोले, बोले बेटा मैं सब कुछ नहीं हूँ, मेरे जो प्रभु है ना वो प्रभु श्री नारायण ही जगत का ये मालिक है। मैं तो उनको आदेश में केवल ये जगत का सृष्टि करता हूँ। तभी जगत का सृष्टि करता मतलब क्या, केवल पार से बनाता हूँ हैं। तभी सुना चको ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, तब नारद जी कहते हैं, फिर आप करते हो क्या हैं? बोले सृष्टि वस्तु द्वारा सृष्टि, कहते भगवान की सृष्टि वस्तु को द्वारा ही मैं सृष्टि करता हूँ। फिर उन्हें बोले, तुम्हारी इच्छा में भी क्या सृष्टि होता है? बोले नहीं नहीं मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता है, सब तो भगवान की इच्छा से होते हैं। इसलिए तब श्री ब्रह्मा कहते हैं, बोले नारायण परा भेदा, नारायण परा मक्षा, नारायण परा लोका, नारायण परम योगा, नारायणम परम तपम, नारायणम परम ज्ञानम, नारायण परा गति। तो इसमें कहते हैं ये जगत में जो कुछ हो रहा है हैं, सबका जो विषय वस्तु है, कहते कौन है, वेद का तात्पर्य क्या है, नारायण परा वेदा, वेद का जो तात्पर्य यही भगवान है। कहते समस्त देवता का उपास्य कौन है, बोले भगवान है हैं। इसलिए भगवान के अंग से ही इस सब कुछ सृष्टि नारायण के अंग से होता है, नारायण का प्रभाव से ही ये जगत में सब कुछ जो होता है नारायण की कृपा से ही होता है। वस्तु सकल का नारायण ही तात्पर्य है, इसलिए जो कुछ करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य कौन है, श्री नारायण। जो कुछ हो रहा है श्री नारायण की इच्छा से होता है, इसलिए हम कहते हैं ना उसके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ, उपनिषद की कथा सुन लो। बोले एक समय देवता देते में लड़ाई हुई, लड़ाई तो अभी देवता लोगों को विजय प्राप्त हुआ। विजय प्राप्त होने पर देवता ने इंद्र को बैठा दिया रत्न सिंहासन में, उसकी गले में मोटी मोटी माला डाल रहे थे, अरे महाराज इंद्र की जय जयकार कर रहे थे। जब जय जयकार कर रहे थे इंद्र की बड़े स्लोगान कर रहे, गजरे की माला पहना रहे। इतने में भगवान ने देखा, बोले देखो ये मूर्खों को, जिसकी कृपा से ही इन लोगों ने विजय प्राप्त किया, भगवान को तो भूल गए, मेरे को तो भूल गए, और इंद्र की स्लोगान, इंद्र की जय जयकार कर रहे। इतने में भगवान ने एक ब्राह्मण बन करके आए, और ठीक जहाँ पर ये जय जयकार कर रहे थे उसको पास में एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे गए, कि ब्राह्मण, और शरीर से ऐसे ज्योति निकल रहा था, वो ज्योति से चतुर्दी को उद्भासित हो रहा था, आलोकित आलोकित हो रहा था। इंद्र ने देखा दूर से, बोले ये कौन है, एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, शरीर की तो बड़ा प्रकाश है। तो उन्होंने अग्नि को देवता जाओ तो पूछ करे क्या हो, तो वो कौन है। अग्नि देवता गया प्रणाम करते, बोला बोले आप कौन हो? तब वो ब्राह्मण जी ने बोला आप कौन हो? बोले मैं अग्नि हूँ। बोले आप क्या कर सकते हो? बोले मिनट में ये दुनिया को जला करके राख बना सकता हूँ। बोले इतने शक्ति? बोले हाँ। बोले ये एक त्रिनका रखता हूँ, ये त्रिनका को जला करके देखो। अग्नि ने सोचा ये मेरे लिए कौन सा बड़ी भारी बात, उन्होंने थोड़ी सी शक्ति प्रयोग किया जलाने के लिए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं।
और थोड़ी शक्ति प्रयोग किया, वो भी सारे शक्ति लगा दी लेकिन एक त्रिनिका को जला नहीं सका, सिर नीचा करके चला गया। इतने में इंद्र ने पूछा, समझ गया कि कौन है, पूछा, बोले मैं समझ नहीं पाया। बाई को पूछा तो उन्होंने भी जाकर के बोले आप कौन हो, बोले तुम कौन हो, बोले मैं बाई हूँ, बोले तुम क्या कर सकते हो, बोले मिनट में ये दुनिया में प्रलय मचा सकता हूँ, बोले एक काम करोगे ये त्रिनिका को थोड़ा उड़ा करके देखोगे, बोले ये मेरे लिए कौन सा बड़ी भारी काम, बोले उड़ा करके देखो। उनने थोड़ा शक्ति लगाया, कुछ नहीं हुआ ज्यादा, एक त्रिनिका को कुछ भी नहीं कर पाए, बोले मेरी शक्ति कहाँ चली गई, वो भी भाग गया। उन्होंने ऐसे ऐसे करके सब एक एक देवता को भेजते गए, लेकिन भगवान पूछे तुम क्या कर सकते हो, पहले तो बड़े डीग यहाँ के, बोले जब करने के लिए बताए ना कुछ भी नहीं कर पाए, जब किसी ने भी उनका सही परिचय नहीं ले पाए। इतने में इंद्र ने बोले मैं स्वयं जाता हूँ। जब इंद्र जाने के लिए तैयार हुए, इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, तब आकाशवाणी हुई, बोले महाराज इंद्र मैं तुम लोगों को परीक्षा करने आया था, जिनकी कृपा से ही तुम लोगों ने ये शक्ति प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया, तुम लोग भगवान को ही भूल गए और भूल करके अपना अपना जय जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुम लोग का सारे शक्ति को मैंने अपहरण कर लिया, तुम्हारे अंदर में कोई शक्ति है ही नहीं, सारे शक्ति हमने ले लिया। इतने में सारे देवता लोग भगवान से माफी मांगे, ठाकुर जी हमारे अपराध को आप माफ कर दो। इसलिए पिता महाब्रह्मा जी कहते हैं सबका जो मूल कारण है कौन है, भगवान ही सबके कारणों का कारण भगवान ही है, इसलिए उनकी कृपा से जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ है उनकी कृपा से ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान की है, भगवान की 24 अवतार की बात आई है, पहले भी सुने थे, और यहाँ पर ब्रह्मा जी जब उन्होंने तपस्या की, बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तद गंच गृहणम गदितम भया, तब भगवान ने कृपा करके पितामह ब्रह्मा को उन्होंने भक्ति युक्त ज्ञान उन्होंने पितामह ब्रह्मा को प्रदान किया। कहते बंसी ध्वनि को द्वारा जो गोपाल मंत्र हम जप करते हैं, ये गोपाल मंत्र कहाँ से मिला है, बोले भगवान ने सर्वप्रथम उन्होंने पितामह ब्रह्मा को ही यही गोपाल मंत्र प्रदान की थी। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोक है ना, ये चतुश्लोक ही उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा को दिया। यही चतुश्लोक के बाद में ये 18,000 श्लोक रूप में परिणत हुआ है। इसलिए कल ये चतुश्लोकी को तुम लोग बोल, तुम लोग पहले पढ़े ना, प्रभु जी ने पढ़ाया था, किसको किसको याद है, हाँ, इसलिए कल कल एक एक श्लोक बोलना। मुनि मुरारी प्रभु आप एक श्लोक बोलना, पहला श्लोक आप बोलना, अब द्वितीय श्लोकों को आप बोलना, और कौन बोलेगा, और याद है तृतीय तृतीय श्लोक कौन बोलेगा, तृतीय श्लोक कौन याद है, हाँ कृष्णदास प्रभु आप कल बोलेंगे, आज तो आपने जानवा देवी कथा सुनाई नहीं, हाँ इसलिए कल कल एक श्लोक आप एक, तुम भी एक सुना सकते हो, तीसरा नंबर श्लोक तुम सुनाना, हाँ तुम पढ़ करके आना सब, पहला दूसरा तीसरा और आदि के सब चौथा, ठीक है, हाँ क्या और लॉकडाउन कितना बजे, लॉकडाउन कितना बजे होता है, 10:30 बजे ना, आदि के सब कल एक श्लोक सुनाना, चौथा नंबर श्लोक, ये जो ये है ना चतुश्लोकी, चतुश्लोकी पढ़ कर देख, थोड़ी देख, प्रथम